यार अमित, हम किचन में क्या पनिशमेंट करेंगे? एक्चुअली पनिशमेंट मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कोई स्पेशल पर्सन आ रहा है तुम लोगों को पनिशमेंट देने। वो देखो, वो क्या हो रहा है? बस बस, आज तुम्हारी लगने वाली है। हेलो शेम, क्या हाल चाल निर्भय प्रमोद? क्या हाल चाल? गाना सुना क्या? मैं तो रस्ते से जा रहा था। और क्या खाना पसंद है रस्ते में? मैं तो पसंद है पास्ता। पास्ता? और वैसे तो मैं पाव भाजी मेरा फेवरेट है। पाव भाजी तुम्हारा फेवरेट है? तो फिर मैं रस्ते से जा रहा था। आप बनाने वाले हो? मैं तो पागल हो गया क्या बॉस? मैं नहीं बनाने वाला हूँ। आज तुम लोग बनाओगे और मैं तुमको बनता हुआ देखूंगा। भाई साहब, आप बनाएंगे पाव भाजी और आप बनाएंगे पास्ता, तो खाना बनाने के लिए तैयार हो तुम लोग? हाँ। क्या लगता है तुम लोग को, खाना बन पाएगा तुम दोनों से? ट्राई कर सकते हैं, कोशिश पूरी करेंगे, आई होप बेटर बने। भाई साहब, पनिशमेंट ये है, जिसका खाना बेकार वो मेरा किचन साफ करके जाएगा, नहीं तो बाहर नहीं जाने दूंगा। आप लोग बस देखिए कैसे मजे लेते हैं, इन्होंने बहुत लोगों की बजाई है, अब बारी है इनकी बजने। टमाटर बॉईल करने के लिए सबसे पहले पानी डालिए। टमाटर बॉईल होते हैं, मैं कुछ खा लेता हूं। अरे मैं कुछ कर गया, ऑनियन ले रहा हूं। ऑनियन मेरे को इतने ही चाहिए, मेरे को दो ऑनियन बहुत है। हां तो एक ही चाहिए मेरे को, लगे तो फिर ऑनियन का सबसे बेस्ट तरीका है कि एक कट कर लो तो पूरा खुल जाता है। तू अब सिखा यार। वाह वाह बेटे, उंगली तो नहीं कट रही गई? अरे चॉप भी कर रहे, हैं? तुम्हारा आज होने वाला है चॉप बेटा, देखो क्या होने वाला है। भाई साहब, मटर छीलते रह जाओगे, पाव भाजी नहीं बनने वाली, भाई जो है पास्ता बना के निकल जाने वाला है। एक तुम्हें मैं टेक्निक बताता हूँ, पीछे का बट है ना, इसको हम इसको बट कहते हैं, और फिर ऐसे होना चाहिए। तो ये अब तुम्हारी चीज़ मैं ले रहा हूँ। अरे चलो थैंक यू शायद, अभी हम अच्छा अभी कर लोगे। ये देखो ये हो गई चोरी। मैंने सुना उसको थोड़ा फ्रीज भी कर दोगे तो लॉन्चिंग में थोड़ा इजी होता है। पाक पाक सब तू ही सिखा रहा है। नहीं मेरे उधर देखो बेटा, उधर देखो। मेरा मटर गाइस हो चुका है, इससे ज्यादा मैं मटर और नहीं छील सकता, कोई टाइम नहीं है। इसको और होने देना चाहिए, हो गया होगा। अरे इम्तिहान तुम्हारा है, मेरा नहीं है। नहीं मतलब ऐसे आलू से क्या पता है? वो आलू में होता है ऐसे ना, तो टमाटर में थोड़ी होता है। मुझे नहीं पता शेफ, मैं ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा टमाटो सॉस बन जाएगा, हो गया, बंद कर दिया। हाँ, बंद कर दिया ना, बंद कर दिया। इससे ज्यादा बैंड नहीं बजी कैप्सिकम, आज तो यहाँ बैंड बजी। एक्चुअली मैं उसको स्क्वायर शेप देने का कोशिश कर रहा था, बट कुछ अलग ही हो गया वो। भाई साहब इतने प्याज क्या करोगे, पूरे पाव भाजी का ठेला लगाना है जू बीच पे? गए आज तो इसकी उंगली गई। पास्ता की तैयारी फटाफट, ये देखो शिमला मिर्च को भी हम डाल देते हैं मिक्सी में। पाक पाक चलो डाल दो मिक्सी में, तुम्हारा काम आसान होगा, क्योंकि जिस स्पीड में प्रमोद कर रहा ना काम। ये देखो पास्ता सॉस तैयार एकदम है, सॉस तैयार है, है? Yes. अच्छा, वाह ये देखो चैंपियन, वाह तुम्हें यार पता है करेक्टली क्या बात। हम लोग शेफ कैंपिंग वगैरह करते रहते हैं, मोस्टली खाना मैं वहीं बनाता हूँ। अच्छा तुम बनाते हो वहाँ पे, और ये क्या करता है फिर वहाँ पे? मैं आग जलाता हूँ। आग जलाता है, आग जलाता है। हमारा पास्ता अभी नेक्स्ट 10 मिनट्स में तैयार हो जाएगा मुझे लग रहा है। लेकिन पास्ता कौन बॉइल करेगा पापा? ओ शिट, पास्ता का
चाय मतलब सॉस पास्ता का भाई साहब अब तुम्हारे पास टाइम है स्पीड पकड़ने के लिए क्योंकि मैं तुम्हारी पाव भाजी बनी तब तक इसका पास्ता बॉयल होगा पर मैं अच्छा बनाऊंगा लेट हो गया तो बस लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज है खाना अच्छा बनना चाहिए नहीं तो पता है चैलेंज के बाद क्या करना होगा जितनी गंदगी फैला रहे हो ना नहीं वो नहीं बॉइल करते वक्त क्या क्या चीजों की जरूरत होती है बॉइल आई गेस पास्ता पहले गर्म पानी करो फिर उसमें पास्ता डालो थोड़ा सॉल्ट भी डाल सकते हो और मेन इम्पोर्टेंट चीज है वो ऑयल ताकि पास्ता चिपके ना खाते तुम्हारी दोस्ती की तरह वाह इसको निकालो और देखो कैसे देखो मतलब ढक्कन निकाल के देखोगे और कैसे देखोगे अबे पास्ता में ये फ्रेंच बीन्स मैंने देखा था कहीं तो रेसिपी अगर अच्छा ठीक है चल डाल दे भाई पतले पतले काट लिए गाजर के और उसके बाद हमसे ना हो पाएगा शेफ ऐसे ये देखो भाई ने जैसे तेल डाल दिया अब नमक डाल दिया अब नमक डालेंगे जैसे शेफ बोलते हैं बोलो अब नमक शमक डाल देते हैं तूने पाव भाजी देखा है खाते हुए हर कुछ ये चॉप नहीं होता है ऐसा साबुत भी आते हैं कभी कभी खड़ा पाव भाजी खाए खड़ा पाव टेस्ट है मतलब तो खड़े होके खाते ना पाव भाजी अच्छा नॉन स्टिक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है वो नहीं बहुत इम्पोर्टेंट है जब पाव भाजी में और क्या क्या चीजें जाती है बाकी जो सब जो रखी है सामने वो जाती है मतलब जो भी है मिर्ची 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 शायद ये रेडी है नहीं मतलब प्याज मतलब बटर और गार्लिक मतलब शायद ये रेडी है पाव भाजी नहीं नहीं प्याज अच्छा ये क्या है पूछ रहा था सुन के देखो क्या नहीं मजा आ रहा कुछ पाव भाजी मसाला है जी पाव भाजी जी जो बना रहा है वही नहीं पता भाई साहब पास्ता का हलवा बन जाएगा देख लो एक बार चेक किया वापस टेस्ट किया थोड़ा दो मिनट और इस बंदे को खाना बनाना थोड़ा तो आता है कांदा पकाना है जलाना नहीं है हाँ जरा इसको बताओ तुमने किस तरह अपना काम कर यार मैं तो बन जाता अभी तक आलू 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 छिलते वैसे ये क्या आलू छिल रहा है कि मैं तो वही सोच रहा हूँ आज ये आलू छिलना है भाई साहब ये आलू ऐसे छीलना होता है ये निकालना होता है चमड़ा ये ग्रेटर है भाई साहब ये कर सकते हो आप ये इसमें नहीं जाएगा नहीं ग्रेट तो ये आप मिक्सी चलाओगे वापस हाँ चला देंगे चलाओ पाव भाजी क्या हलवा नहीं बन गया तो मुझे बताओ मतलब जितने पाव भाजी बनाने वाले हैं आज अपना सर गार्लिक का रखा ये डाल दिया गार्लिक पूरा डाल दिया है ये तुम्हारे लिए अच्छा ये वाह और चाहिए गार्लिक ये जिंजर है जिंजर है हाँ अरे गार्लिक जल जाएगा गार्लिक पास्ता विद एक्स्ट्रा गार्लिक सॉस एंड समथिंग समथिंग अब क्या करना है तो हम नमक डालने वाले हैं। डालो भाई डालो आपके साइड में डालो डालो मैं ऐसे ऐसे क्या पता अच्छा बोला है हाँ डालो डालो हो सकता है नमक चमक नमक चमक अबे अबे नमक डालना भाई आदमियों ने खाना है अरे नहीं मतलब मुझे आया नहीं नमक का स्मेल कैसे आया खाने का अब हल्दी कौन डालता है पाव भाजी में थोड़ा डाल दे तू तेरी मर्जी है अभी जो डालता है अबे येलो पाव भाजी जो सफेद थी वो अब येलो हो गई कहाँ है ये है हाँ तो डालोगे ना ओह नो तीखा तीखा खाते हो क्या बेटा
वो देखो टेस्ट के ऊपर है पूरा एकदम। ये क्या है? कसूरी मेथी। अच्छा, तुम्हें मांग रहा था। पहली बार आज मैं देख रहा हूँ कोई पाव भाजी में कसूरी मेथी डाल रहा है, और ये हो सकता है फ्लेवर बढ़िया कर दे। वाह, कलर ऑफ पास्ता सॉस, बहुत बढ़िया। सो गाइस, मेरा भाजी रेडी होने वाला है, तब तक मैं पाव रेडी कर देता हूँ। अच्छा, आप कितना खाओगे? 25। लेकिन गिरता है बट प्रमोद, तुम्हारा सॉस जो है ना वो बिल्कुल बढ़िया लग रहा है मुझे। थैंक यू सर। यस, और ये देखो पाव तैयार। पाव कैसे गर्म करोगे? बटर डाल के ऐसे। अच्छा, ऐसे कैसे करोगे? बटर उसमें थोड़ा मिर्ची। आज तक अभी तक पाव भाजी अपनी टेस्ट नहीं की है, लेकिन बन गई है। प्रमोद इज व्हाट आई एम सीइंग, कि बारी बारी टेस्ट कर रहे हैं, उनको पता है सॉल्ट कितना है। ये मैं लास्ट में करूंगा। करो बेटा लास्ट, तब तक इसका रेडी हो जाएगा। सॉस तो हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। पास्ता 2 मिनट बाद डालेंगे, क्योंकि अच्छा। ये कैप्सिकम थोड़ा पक जाएगा। हां, वेरी गुड। हां निर्भय, क्या करना है? टेस्ट कर रहा हूं। टेस्ट, मैं भी टेस्ट कर रहा हूं। डर गया, तूने मेरा ढक्कन ले लिया। क्या लग रहा है? इसके पैसे दोगे तुम? सब्जी पकानी भी होती है। क्या लग रहा तुम्हें? पांक पांक समझ में नहीं आ रहा, पाव भाजी बनी की क्या बनी? थोड़ा नमक ज्यादा हो गया। नमक ज्यादा हो गया? अरे नमक ज्यादा होने से क्या करते हैं? टमाटर डालेंगे। फटाफट डाल दो, या ये आलू भी आपके पास, ये भी डाल सकते हो। अब क्या घुमा रहा है? नमकीन हो गई पाव भाजी। और साथ ही साथ जलने भी वाली है जो मैं देख रहा हूँ। और फाइनली और टमाटर डल रहे हैं। वेरी नाइस। हम अभी मसाले डाल सकते हैं? डालो बस, तुम्हारी मर्जी, इतने मसाले रखे। फाइनल करेक्शन, कभी कभार हम भी होटलों में करते हैं। अभी कुछ और गड़बड़ हो गया? नहीं। तुम पकने तो दे बेटा, एक काम करो, तुम गिन लो यहाँ बर्तन कितने हैं। थोड़ा पानी। पाव भाजी की फीलिंग नहीं आ रही, पानी क्यों डाल रहा है? तू बर्तन गिन ले। सही बोल रहे शेफ, तू बर्तन गिन ले बेटा। सुपर, क्या बात, गुड है इतना। हाँ बस, पहली बार इन दोनों की रोस्टिंग हो रही है, और कौन सा चिकन रोस्ट होगा ठीक से, ये मैं टेस्ट करके बताऊंगा। बर्तन धोने के लिए। हाँ बिल्कुल प्रमोद, सही बोला आपने। ये डाल दे पूरा पूरा डाल। This man is ready now. पाव भाजी, excellent. This man is saying excellent. I don't know what to tell about this. पांक पांक। तो ये ड्राई, मैंने बंद कर दिया। खत्म हो जाने वाला। मैंने गैस बंद कर दिया। जब दो एमेच्योर कुक्स जो है ना खाना बनाते हैं, तो जो डिसाइड करना पड़ता है ना कि किसकी डिश वर्स्ट है, एक्चुअली किसकी डिश बेस्ट नहीं डिसाइड कर सकते, किसकी वर्स्ट डिसाइड करना पड़ता है। तो ये तो इनको पता चलेगा, ये जब पूरी तैयारी करेंगे। ये हर्ब थोड़े से डाल दो, और थोड़ा सा अगर तुम क्रीम डाल दोगे ना, मजा आ जाएगा। डालो 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 डालो, थोड़े से चिली फ्लेक्स और डाल दो, थोड़े से हर्ब्स और डाल दो, बस अब देखो तुम्हारा पास्ता। अब खुद टेस्ट करना और बताना। ये लो पाव भाजी मसाला, थोड़ी लाल मिर्च जैसे टिपिकली करते हैं। वाह, ये टमाटर की खटास जो है वो बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी शुगर, लव इट। हाँ जी, अब आप क्या कर रहे हो जी? फिलहाल पाव डाल रहा हूं। उनको मसाला सही मिल रहा है। सम मिंट लीव्स, बेसिल की जगह मिंट लीव्स, नो प्रॉब्लम। वाह, रेडी? ज्यादा हो गया। ये क्या कर रहा है?
थोड़ा पानी डाल देता बस लास्ट में। मतलब करने क्या कोशिश कर रहे हो मेरे भाई? यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ कि मसाले डलते जा रहे हैं, पानी डलते जा रहा है, सेटिंग होते जा रही है, पाव भाजी पता नहीं कहाँ पहुंची, लेकिन ये जो प्रमोद ने बनाई है डिश, ये पास्ता देख रहे हो, सुन ले, मतलब ये थोड़ी सी बेटर लग रही है, सुंदर लग रही है, घरेलू जैसे बनती है वैसे लग रही है, लेकिन मैं टेस्ट साथ में करूंगा। क्या करूँ, ये जो बाहर निकाल के फेंका था ये डाल दो अंदर? नहीं 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 नहीं, ठीक है मैम, इससे ज्यादा अच्छा नहीं बना। इससे ज्यादा अच्छा नहीं हो गया ये फटा? मैं सब कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, तो जी तैयारी पूरी कर ली है, पाव भाजी, और यहाँ पे तो चैलेंजिंग टास्क, पास्ता, आई कांट बिलीव दिस। पहले मुझे लगता था कि पास्ता ज्यादा बेटर दिख रहा है, लेकिन अब जब मैं देख रहा हूँ पाव भाजी कोई खराब नहीं दिख रही, बिल्कुल अच्छी दिख रही है। अब तो टेस्ट ही बता पाएगा कि विनर कौन है और किसे सफाई कर रही है। तो ये लेट मी डिग इन, छोटे छोटे टिप्स जो है इनके काम आए। और तुम टेस्ट करोगे बेटा? हाँ मैं भी। टेंशन बिल्ड हो रही है? हो रही है? पाव भाजी में और पानी डालना है? अभी भी चांस है नहीं? तो ये पाव भाजी टेक्सचर सही है जैसे मिलता है, आलू ने क्या कमाल किया होगा मुझे पता नहीं, लेकिन कलर बहुत बेहतरीन बनाया है इन्होंने। भाई साहब तुम्हें थोड़ी सी टेंशन आनी पड़ेगी, अब थोड़ी सी टेंशन आएगी तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है कौन जाएगा? आई गेस वही बर्तन धोएगा, इतना अच्छा पास्ता बना। ऐसा लग रहा है आपको? आप बताओ शेफ। मैं बताऊं? पानी डालूं? इतना बुरा भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है। बहुत मुश्किल काम है ऑनेस्टली, इस वक्त अगर मार्जिन मैं देना चाहूँ ना तो बहुत बारीकी वाला मार्जिन है, ऑनेस्टली बहुत बारीकी। बीच में जब ये बना रहे थे मैंने टेस्ट किया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आलू जो इन्होंने ग्राइंड किया ना वो गलत कर दिया, ऐसा मुझे लगा, लेकिन इस वक्त वो स्टार्चीनेस जो उस वक्त लग रहा था वो इस वक्त नहीं लग रहा, इस वक्त बिल्कुल सही लग रहा, मज़ेदार लग रहा, स्पाइसी है। पाव भाजी खाने में जो किक मिलती है वो है, पास्ता भी अच्छा है, मज़ेदार है, लेकिन यार मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाव भाजी ने दिल जीत लिया। बात बन गई है, बात बन गई है, सीरियसली बात बन गई है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बात बन गई यहाँ, मज़ेदार है, स्वादिष्ट है, खाने की इच्छा हो रही है। पास्ता खाने की इच्छा नहीं हो रही ऐसा नहीं है, जैसे मैंने कहा कि अगर इनको मुझे देना हो तो ये 19.75 और ये 20, 0.25 डिफरेंस, दैट हैज मेड योर डे मैन। चलो थैंक यू शेफ, थैंक यू, लग जाओ सर। यार पता नहीं क्या हो गया, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था और फटाफट मेरा हो भी गया था और शेफ़ ने काफ़ी मदद भी की मेरी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं हार गया एट दी एंड। उसकी गलती से अच्छी बन गई होगी, उसको आता थोड़ी खाना बनाने से, बट हमेशा लक काम नहीं करेगा उसको, तो नेक्स्ट टाइम मेरे भाई वेट एंड वॉच, तेरी वाट लगने वाली है। खाली है ये ले, अच्छे से धोना। हाँ बेटा जा। अरे पानी ब्लॉक अभी होना था,
सो गाइस फाइनली मेरा पनिशमेंट भी आज का कंप्लीट हो चुका है एंड अनफॉर्चुनेटली पता नहीं मैं कैसे हार गया मैं, बट बहुत मज़ा आया शेफ के साथ खाना बना के। लेट्स सी अभी नेक्स्ट टोस्टर्स में किसको पनिशमेंट मिलता है। होप आपको ये वीडियो वाव लगा हो। भाई मेरे लिए तो बिल्कुल थड़ूम था एकदम। गाइस मेरा आज उप्स हो गया, लेकिन आप इनके चैनल को चेक करना मत भूलना। इनका नाम है शेफ हरपाल सिंह, आप तो जानते होंगे यार, प्लीज सब्सक्राइब करें इनके चैनल को। सो गाइस मैं बहुत कूल तरीके से जीत गया हूं टास्क। एंड गाइस गाइस प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डू सब्सक्राइब टू। थैंक यू।